नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। करनाल के बल्ला गांव में पहुंचे बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं असंत के गांव बल्ला में जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमारी की पति अशोक मान का निधन होने के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गाँव में एक मौत हो गई है और इसी वजह से मौन रह करके इस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आज का जो कार्यक्रम था उसे हमने स्थगित कर दिया है और आगे जब भी गांव में आएंगे कार्यक्रम रखेंगे तो उनको कार्यक्रम दे दिया जाएगा। यह गांव चौधरी देवीलाल के साथ चौटाला गांव से भी पहले से जुड़ा हुआ था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ बढ़ा है तो उनका कहना था कि अपनी अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने का भी अधिकार है। जब उससे पूछा गया कि जेलों में गौशाला बनाई जा रही है और कब तक बन जाएगी तो उनका यही कहना था कि आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जाएगा और हम उनका पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं बिजली की समस्या को लेकर के उनका यही कहना था कि 3 महीने पहले भी बिजली मंत्री बना हूँ और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है उन्हें भी जल्द ही मिल जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि 8 घंटे के बजाय 10 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था तो बिजली देने की बात भी कही गई थी तो उनका कहना था कि यह पूरी कैबिनेट का फैसला है और इसमें मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकता। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। हाँ, लेकिन वो पोस्टपोन करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जी, अशोक कुमार थे, गाँव के बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे और बड़ा अफसोस हुआ है गाँव को। मैं भी जब ऐसा गाँव, उनका पूरा गाँव साथ है, मानव का गाँव है, ऐसे मौके पे मैं एक श्रद्धांजलि दे के हमने कार्यक्रम खत्म कर दिया। हमारे बड़े जो साहब का बहुत पहला गांव था, चौटाला से भी ज़्यादा इस गांव को वो मानते थे जी। और ये गांव भी पूरी तरह उन्हें समर्पित रहा है, तो मैं आज तो उनके घर जाऊंगा जी अफसोस के लिए। फिर जब भी गांव कम करेगा मैं दोबारा। चौटाला साहब, दुष्यंत ने कल कहा है कि क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है दिल्ली चुनाव के बाद, क्या कहना चाहेंगे आपकी? क्या आदमी का अपना अपना आकलन है जी, डेमोक्रेसी में किसी को कुछ लगे किसी को कुछ लगे। कभी हस्बैंड वाइफ भी सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है, वो भी हर बात में एक राय नहीं होती, वो कभी डिफरेंट भी हो जाए। डेमोक्रेसी में हर आदमी का अपना नजरिया। और इसके लिए जेलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जेलों में गौशाला को लेकर जो दूसरे के उसको लेकर आगे क्या बढ़ा रहे हो आप? देखिए, गौशाला के जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ, इन लोगों का हमदर्दी है, मेरी भी इनके लोगों के प्रति हर आदमी का प्रेम है। इसका सोल्यूशन करना चाहेंगे जो भी हमसे बन पड़े, और हरियाणा सरकार सोच रही है कि हम कुछ गाँव के लिए कुछ करें। सर, बिजली मंत्री हैं, बिजली की कई तरह की समस्या सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या आगे करने जा रहे हैं जी? देखिए, मुझे 3 महीने में देखकर, मुझे 1 साल तो मैं 1 साल में आपको परिवर्तन करके दिखाऊंगा। 3 महीने में आपको नज़र आ रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ। टेढ़े पोल थे, दूर तारें थी, वो ठीक हो रही है। जब बुआई का टाइम आया 2 घंटे बिजली फट चुकी किसानों को। अब ट्यूबवेल कनेक्शन जो कई दिन से पेंडिंग थे, 31/18 से उनका हमने 62 ट्यूबवेल जिनका सब लोगों ने पेमेंट करके उनको हम अभी रिलीज कर दिए। सर, एग्रीकल्चर में 10 घंटे बिजली देने की बात की गई है, वो कब तक लागू हो जाएगी? देखिए, मैं तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा के सोच रहा हूँ, पर ये सामूहिक फैसले होते हैं, कैबिनेट का फैसला। मैं अकेला इस पर पूरे हमारे चीफ इंजीनियर से लेना होता है, हमें CMD से अपना इनपुट लेना होता है, फार्मर्स को कैसा ठीक करे, एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है जिसमें करके निर्णय होता है। और बिजली ऐसा मंत्रालय है कि जो 2-2.5 करोड़ के सारे लोगों से जुड़ा रहता है, कोई मजदूर रहते हैं, जमींदार रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, कारखानेदार। बजट को लेकर क्या बिजली के लेकर कुछ ऐसा? देखिए, अभी बजट आएगा, बजट तो पहले डिस्क्लोज नहीं कराया जाता। आपने देखा ना, सेंट्रल बजट में भी हलवा बनता है, वो खा के फिर उसके बाद बाहर बताते हैं, वो स्टाफ भी वहीं रोके रखते हैं, बाहर नहीं आता जी। ठीक है, Thank you.
ठीक है।